अब फाइनली दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है उमर रियाज ने। रिसेंटली एक लीडिंग पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बड़ी बात बोली है, और ये बड़ी बात बोली है किसने, ये बड़ी बात बोली है नन अदर देन उमर रियाज ने। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो धनाधन फॉलो भी कर लीजिए। दोस्तों आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत करते हुए उमर रियाज ने कुछ बात रखी है। जब उनसे पूछा गया सवाल कि सिद्धार्थ शुक्ला का जब ये इस तरीके से दुखद अंत हुआ था उस पर आसिम की अगर बात की जाए तो आसिम ने क्या बात बोली आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पर ये बात बोलते हुए नजर आए हैं उमर, वो कहते हैं कि हम सब बहुत शॉक में थे, और मैंने जो है आसिम को कॉल किया था तो वो बहुत ज़्यादा लो था और वो है ना बस रोने ही वाला था। एक्चुअली क्राइड अलॉट, उससे पहले वो बहुत ज़्यादा रोया था। शो में जो कुछ भी हुआ लेकिन एक बॉन्ड था आसिम और सिद्धार्थ के बीच में, एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज बॉन्ड था। भले ही वो बाहर कनेक्ट नहीं हो पाए बट आई एम श्योर कि वो आपस में कनेक्ट होना चाहते होंगे। बट सचमुच में ये जो खबर थी ये डिवास्टेटिंग थी, तोड़ने वाली थी ये खबर। एंड उसके बाद आसिम सीधा हॉस्पिटल दौड़ा था और उसके बाद फैमिली के पास गया था एंड बताया कि कितना ज़्यादा अफेक्शन था आसिम को सिद्धार्थ के प्रति। तो दोस्तों भले ही शो में लड़ाई हुई हो, भले ही झगड़ा हुआ हो, भले ही गाले उपतार हुआ हो या फिर धक्का मुक्की का आलम हुआ हो, आसिम सिद्धार्थ के करीब था। आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स।